नमस्ते नमस्ते नीतीश चाचा जी, नमस्ते। अरे सुने हैं कि नीतीश चाचा जी, आप इस बार सीएम का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। आप पलटू राम जब पलटे थे बीजेपी में, तो भी आप बोल रहे हैं कि अब हम कहीं से चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्या बात है नीतीश चाचा जी, जरा बताइए ना। अरे तेजस्वी बबुआ यही कह रहे हैं ना कि अब हमारा चुनाव लड़ने का दिल सिल सब टूट टाट गया है, और सोच रहे हैं कि इस बार ससुरा का चुनाव लड़े, इस बार लालू जिया लड़ लें, आप लड़ लीजिए। देखिए यहाँ पर हमारे राहुल भाई भी आए हुए हैं और मोदी जी तो आए हुए हैं। क्या करें भाई, गरीबी है। आप लोग तो इतना ज्यादा सता रहे हैं नीतीश कुमार जी को कि अब चुनाव लड़ने का दिल टूट गया है। नहीं नीतीश चाचा जी, आप चुनाव लड़िए, आप चुनाव बिल्कुल लड़िए। आप पलटू राम हैं तो पलट गए हैं ना, तो बिल्कुल चुनाव लड़िए और दिल जान से जल लड़िए। देखते हैं कौन जीतेगा कौन हारेगा। हमारा भाई भी आ रहा है चिराग पासवान जी, उसको भी बुलवाए हैं। अगर वो आ जाएगा ना, फिर आपको पता चलेगा कि बिहार में सीएम कौन बनेगा। तेजस्वी यादव जी, इतना मजाक मत करिए, हम बीजेपी वाले हैं और बीजेपी वाले कहीं झुकते नहीं हैं। जहां झुकते हैं ना, वहां झुका भी लेते हैं। और देखिए, अगर हम बीजेपी में गए हैं ना भैया, तो कुछ सोच समझ कर गए हैं। ऐसा थोड़ी है नहीं है कि फ्री में चल गए हैं। हमको 25 करोड़ रुपया मिला है, पूरे बिहार को खरीद लेंगे। बताइए क्या कहना चाह रहे हो नीतीश चाचा। आप पान पट्टी का दुकान खोले हैं ना, तो आप दुकानिया चलाइए, काहे को नेता नीति में जा रहे हैं। राजनीति छोड़कर आप सीधा दुकान चलाइए कि कौन सा चूना कहाँ लगाना है। तेजस्वी यादव हमसे मजाक आप ये करेंगे, जरा मोदी जी अब तेजस्वी यादव को समझा दीजिए। तेजस्वी यादव जी, मैं नीतीश कुमार के कहने पर बोल रहा हूँ, नहीं तो मैं तो भैया कुछ बोलता ही नहीं। इसलिए कि जो 125 करोड़ देशवासियों हैं, अभी हमारा भी चुनाव आने वाला है अप्रैल में, तो भैया हमको तो पीएम बनना है और नीतीश चाचा को सीएम बनना है। तो अब इसमें बवाल चल रहा है कि सीएम कौन बनेगा। आप दोनों जन डिसीजन कर लो, फिर हमको बताओ, है ना राहुल भाई। मोदी जी आपका बिल्कुल बात सही है, लेकिन यही चीज मैं भी बोलता हूँ तेजस्वी जी को। लेकिन तेजस्वी जी बार बार एक ही बात हमसे बोल रहे हैं कि काहे को नीतीश जी बीजेपी में चल गए। बीजेपी का कोई बिहार में आना जाना कोई नहीं है, फिर भी बिहार में यूपी में बिहार में काहे को आ रही है बीजेपी। अब बताइए ना राहुल जी, आप ये बताइए, हम लोग गलत किए हैं या सही किए हैं। अरे ठीक है भाई, कांग्रेस को आने दो, कोई नहीं आ रहा है, कांग्रेस के साथ काम करो। अगर वो बीजेपी के साथ काम कर रहे हैं, तो आप कांग्रेस के साथ काम करिए। अच्छे से हम लोग चुनाव लड़ेंगे और इस बार कांग्रेस ही पीएम बनेगा, देख लेना तेजस्वी यादव जी। अरे क्या करे राहुल भैया, आप तो हमारे दादाजी को मटन बना के खिलाए थे ना, बहुत ही स्वाद था। हम तो चाह रहे हैं कि वैसे कांग्रेस भी चुनाव जीते, और कांग्रेस अगर चुनाव जीत गई ना, तो फिर इन सबका हालत खराब हो जाएगा, गीली हो जाएगी, गर्मा गर्म गीली। अरे हाँ, अब तो आप पता चलेगा तेजस्वी यादव जी कि नीतीश कुमार में कितना दम है। इसके लिए तो हम नीतीश कुमार पलटू राम को 25 करोड़ देकर और आप लोगों के साथ छुड़वा दिया हूँ, ताकि हमारे नीतीश कुमार जी अगर बिहार से सीएम बन गए ना, फिर बीजेपी चारों के चारों तरफ रहेगी। अरे देखेंगे मोदी जी, देखेंगे। हम बिहारियों में कोई कमी रहता नहीं है, जहाँ मिलता है वहीं खाते हैं, जहाँ नहीं मिलता है वहाँ से चला जाते हैं। अरे का हो तेजस्वी, अरे तू हम ही के सिखैबा, हम ही लोग बिहार में आई। अरे नीतीश चाचा पलटू राम बहुत तगड़ा पलटी मारे ले। अरे नीतीश चाचा, अब तो पता चल गई भाई ने कि बिहार में कौन जीतेगा कौन हारेगा। ये बार को मैं दूसरी बार बोल रहा हूँ। और मोदी जी एक बात बताएं, हमको इतना ज्यादा तंग क्यों किया जा रहा है भाई। हम गरीबों को जीने का हक नहीं है क्या? बहुत लोग हमको परेशान कर रहे हैं। राहुल जी आप जल्दी से अपना वोट बनाइए और बिहार में आप पैदल यात्रा निकालिए, ताकि आप चुनाव बिहार से जरूर जीत जाएं। ठीक है तेजस्वी भाई, ठीक है। मैं तो चाह रहा हूँ कि बिहार से मैं भी जीतूं, और मोदी जी को हराना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मोदी जी आजकल सब किसानों को बर्बाद करना चाह रहे हैं। आप ही बताइए, अभी गेहूं नहीं क्या राहुल भाई, क्या मैं सभी किसानों को क्या कर रहा हूँ? आपको पता है सभी किसानों को बहुत ज्यादा मदद कर रहा हूँ। अभी देखना, जैसे चुनाव पड़ेगा, सबके अकाउंट में 2-2 से 3-3 हजार रुपए डाल दूंगा, आराम से लोग खुश हो जाएंगे और हमें वोट दे देंगे। आपके पास तो पैसे है नहीं, तो आप कहाँ से दोगे? ठीक है मोदी जी, हमारे पास पैसे नहीं है ना, तो मैं प्यार दूंगा सभी किसानों को, और एक बार प्यार दे दिया फिर ये लोग अमर हो जाएंगे। चलिए ठीक है ठीक है, कोई झगड़ा मत करो भाई, अब जाओ अपने अपने घर, हम पॉलिटिक्स के बहुत दूर हो रहे हैं। और तेजस्वी जी आप भी जाइए, अब हम दुकान चलाने वाले हैं। अगर दुकान नहीं चलाएंगे भाई, तो हमारे लड़के बच्चे क्या खाएंगे? नीतीश चाचा आप पॉलिटिक्स का बात नहीं करेंगे? अभी तो आप चुनाव नहीं लड़ रहे थे, फिर आप बोल रहे हैं हम चुनाव लड़ेंगे, फिर आप कुछ और बोलते हैं। क्या ही बोले महाराज जी, कुछ भी बोल जा रहे हो,
आपको तो बहुत ज्यादा टेंशन हो रहा है। अरे क्या तेजस्वी जी एक ही बात को बार बार कर रहे हैं। देखिए लालू चाचा को एक बार हमसे बात करवा दीजिए। अगर लालू चाचा जो ही बोल देंगे हम वही बोलेंगे भाई, कुछ और नहीं बोलेंगे। ठीक है नितेश चाचा, तो अब हम घर जा रहे हैं दूध को लेकर, क्योंकि अगर दूध ज्यादा देर तक रहेगा ना तो ये दूध फट सकता है। ठीक है, फिर फटेगा तो आप भी फट जाएंगे। क्या ही मजाक करते हो यार, ऐसे मजाक कोई करता है जी? हाँ हमको तो बहुत ज्यादा टेंशन होता है। अरे नितेश चाचा दुकान को बंद करो यार, चलो चाय पी कर आते हैं। अभी हम लोग यहाँ पर चाय पियेंगे 20-20 वाला ताज होटल में चल के, और बहुत ही मस्त चाय बनता है। देखिए हमारे यहाँ का चाय भी बहुत ही टेस्ट है, नहीं तो मैं अपने हाथ से भी आपको पिलाऊंगा। और आज तो मैं तेजस्वी यादव को लेकर जाने वाला ही नहीं हूँ। अरे क्या मोदी जी यार, आप कभी भी बोल देते हो तेजस्वी यादव को नहीं ले जाऊंगा नहीं ले जाऊंगा। ऐसा थोड़ी नहीं होता है भाई, हम भी चलेंगे, हम भी तो आपके साथ वाले हैं, आपके दोस्त यार हैं। क्या तेजस्वी यादव जी, आप तो इतना ज्यादा झगड़ा कर रहे हो और फिर भी बोलते हो हमारे साथ चलने के लिए, यार मैं आपको नहीं ले जाऊंगा। चलो चलो ठीक है, आप नहीं ले जाओगे तो हमारे राहुल भाई तो लेके जाएंगे। राहुल भैया हमको लेके चलोगे चाय पिलाने की नहीं यार? अभी देखो तो हमारे पास पैसे भी नहीं बचे हैं। चलो तेजस्वी यादव जी मैं आपको चाय पिला के लाता हूँ, लेकिन एक चाय 500 रुपए का मिलता है। आप जाओ पहले 2 क्विंटल गेहूँ बेच के आ जाओ। अरे क्या यार राहुल भाई, आप भी मतलबी निकल गए, मोदी जी तो मतलबी है ही यार। अभी तक तो आप लोग इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, ऐसे लग रहा था कि पूरे देश को आप ही लोग खरीद लोगे। चलो कोई बात नहीं, तेजस्वी यादव और राहुल भैया और मोदी जी चलो मैं चाय पिलाता हूँ यार। मैं अपने दुकान से 500 रुपए चुरा लेता हूँ, क्योंकि हमारे दादाजी जब आएंगे तो 500 मांगेंगे, तो हम उन्हें कहीं से गेहूं सोहूं बेच कर दे देंगे।